अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां 3 घंटे बाद भी दुष्कर्म पीड़ित मासूम का मेडिकल नहीं हो पाया। अस्पताल के सीएमओ ने खुद स्वीकार किया कि जिला अस्पताल की यह बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस ने मासूम बच्ची का मेडिकल कराने को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी, लेकिन 3 घंटे बीतने के बावजूद मासूम का मेडिकल नहीं हुआ। जब मीडिया को जानकारी हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो टी शर्ट लोवर पे सीएमओ जिला अस्पताल पहुंचे और जिला अस्पताल के अधिकारी पर लापरवाही के कई आरोप लगाते हुए कार्यवाही की बात कही है। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आइए सुनते हैं पुलिस प्रशासन का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। एक 8 साल की बच्ची है जो कक्षा 3 में पढ़ती है, उसी गांव के एक बाल अपचारी द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है। वैसे ये घटना दिनांक 17 की है। परिवारजन इस संबंध में नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली तो पुलिस ने FIR दर्ज करके पीड़िता को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और बाल अपचारी को परिवारजनों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। घर के ड्रेस में यहाँ पहुँचे, क्या है मामला पूरा? देखिए, मुझे फ़ोन कॉल पे SO ओबरा ने फ़ोन करके बताया कि मैं 8 साल की एक बच्ची को जो कि रेप की पीड़िता है उसको जिला अस्पताल में भेजा है, उसका मेडिकल नहीं हो रहा है। CMO द्वारा बताया गया कि CMO साहब माफ़ करेंगे तब होगा। मैंने तुरंत CMO साहब को फ़ोन किया कि मेरे ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि CMO माफ़ करेगा तभी 376 के पीड़िता का मुआयना होगा या मेडिकल होगा। उसके बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। SP साहब भी अभी आके चले गए और मुझे आना पड़ा, मैं देखूं कि क्या समस्या है। यहाँ आके देख रहा हूँ तो जो मजरूही चिट्ठी लेकर के आए थे इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूही चिट्ठी है वो चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल के नाम से लिखी गई थी। CMS द्वारा बताया गया कि इसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर दीजिए, जो कि ये गलत है। सिर्फ मरीजों को भटकाने का एक गलत कार्य है। एक CMS के स्तर का अधिकारी होते हुए इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर मरीजों को भटकाना चाहिए। और 376 के मामले में तो हर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। तो देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में लगातार, अभी कल DM साहब भी छापेमारी किए थे, वहाँ भी दुर्व्यवस्था मिला था लगातार, मतलब यहाँ पर कमियाँ देखी जा रही, उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप भी आए तो भड़के हुए नजर आए, क्या था मामला यहाँ पे जब आए आप? तो देखिए, मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार यहाँ निरीक्षण किया, जो कमियाँ हैं उसको निर्देश दिए, लिखित में दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मौखिक निर्देश दिए। लिखित निर्देश देने के बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा है। और यह एक प्रथा ये भी बना लिया इन्होंने कि कोई भी समस्या होती है तो पता नहीं कौन यहाँ का कर्मचारी है या कोई बाहरी आदमी है, हर समस्या के लिए मेरा नंबर दे दिया जाता है और समस्या बताई जाती है। कम से कम 80% समस्याएं मेरे फ़ोन पर जिला अस्पताल की आती हैं। मैं इनको कई बार बताया हूं, इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तब आज मुझे आना पड़ा स्वतः आ करके कि देखूं मैं धरातल पे क्या वास्तविकता है। तो क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब आपके द्वारा इस मामले में से प्रस्तुत किया जाता है तब जाके मेडिकल होता है? नहीं, मेडिकल अब पहले जो प्राइवेट होते थे उनमें शिकायत बार हुई है, ऐसी शिकायतें, और जिनको पुलिस भी लाती है उनमें भी एक दो बार शिकायतें हुई हैं, मैंने बताया है, परंतु ये आज तो अति हो गई है। इसको लेकर फिर सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर के अब कार्रवाई हम आगे जो विधि पूर्वक ही वो कार्रवाई करेंगे।